होली चॉइल पब्लिक इंटर कॉलेज जडोदा के सभागार में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विद्यार्थियों के सफल भविष्य निर्माण हेतु एक मोटिवेशनल एंड माइंड सेट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यादायिनी माँ सरस्वती के सम्मुख कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गजेंद्र कुमार विद जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर मुख्य वक्ता समृद्धि त्यागी काउंसलर अनिल शास्त्री शिक्षाविद कुलदीप सिवाच रजनीश कुमार पंकज धीमान उप प्रधानाचार्य पवेंद्र दैया ने दीप प्रज्वलित कर और महापुरुष सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर मालार्पण करके किया गया। समृद्धि त्यागी ने बताया कि जब सब कुछ आसान है तो फिर तनाव कैसा। उन्होंने कहा शरीर एक गाड़ी है तो मस्तिष्क एक इंजन है और यदि इंजन पर कंट्रोल हो तो गाड़ी मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंच जाती है और इसी प्रकार यदि हमारा अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को समझकर उस पर कंट्रोल करना आ गया तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। अतः हमें अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारधारा को सही दिशा निर्देशित करना होगा। अनिल शास्त्री ने बच्चों को बताया कि यदि आपको सफलता के परचम को लहराना है तो खुद पर विश्वास और गुरुजनों का सम्मान करना होगा और गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने बच्चों को बोर्ड की कॉपियों में किस प्रकार लिखना है विस्तार से बताया और इस वर्ष प्रत्येक विषय का सिलेबस पता करके उसके अनुसार की तैयारियां करने पर जोर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण धैया ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त करा है। आज का कार्यक्रम जो है ये मोटिवेशनल एंड माइंडसेट वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई से उनका माइंडसेट कैसे करें हम, उनको लगातार सफलता कैसे मिलती रहे, तो उन सभी उद्देश्यों को लेकर अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो बच्चे परीक्षाओं में कैसा अपना बेहतर रिजल्ट दें, तो उन सभी चीज़ों को लेकर आज का जो वर्कशॉप है वो चल रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि? आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गजेंद्र कुमार जी जो कि DIS मुजफ्फरनगर हैं और कीनोट स्पीकर्स जो हैं मिस सुश्री समृद्धि त्यागी जी। क्या क्या कहा इन लोगों ने, क्या स्टूडेंट को क्या बताया? आज के स्टूडेंट्स को इन्होंने बताया कि बच्चे अपने जो नोट्स बनाकर कैसे अपने बिहेव को चेंज करके एक मोटिवेट उनको बच्चों को किया गया, काफ़ी टिप्स दिए गए उनको, लगातार सफलता कैसे प्राप्त की, उन सभी चीज़ों को लेकर बच्चों को आज समझाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अनिल शास्त्री जी, MS गौर जी, इन सभी ने बच्चों को निरंतर मोटिवेट किया बच्चों को आगे सफलता के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए। सर लगातार आप बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कार्य करते रहते हैं विकास के लिए, कहाँ से प्रेरणा मिलती है और क्या इसका फिर सफलता क्या किस तरह से हासिल होती है? यह प्रेरणा मुझे पहले से ही है, पढ़ाई करते समय भी मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, साथ ही साथ जब स्कूल्स का राह चलाया तो मेरा यही मोटिव रहा कि बच्चों के एक ऐसी उनको दिशा दी जाए ताकि वे सफलता और जो कमियां उनमें हैं उसको बाहर निकालकर उनको एक अच्छा एक स्टूडेंट्स के रूप में समाज के सामने रखा जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।